स्वागत है दोस्तों, वापस से लेके आए नए हम टॉपिक से। आज हम फिर से देखने वाले एक वीडियो 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 तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टीजर की, जो आ चुका है पूजा एंटरटेनमेंट की तरफ से, जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ का ये ऑलमोस्ट एक साल पहले अनाउंस हुआ हुआ मूवी, जिसके बारे में लास्ट दो दिन से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बज था, एंड इसका टीजर आउट हुआ है। ईद पे ये मूवी आ रही है, यानी कि अप्रैल मंथ में ये मूवी हमें थिएटर्स में देखने मिलेगी। पहले एक बार टीजर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये मूवी का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, फिर उसके बाद आराम से इस पे बातचीत करते हैं। कश्मीर की वादियां, नाइस। सर्वनाशम विदक्युन्न महाप्रलयम। What I mean to say is, प्रलय आने वाला है, एक ऐसा प्रलय जो भूत वर्तमान और भविष्य को बदल देगा, एक ऐसा प्रलय जो अच्छाई और बुराई की जंग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा है यार। हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। Who will stop me? शाहरुख खान वाली हंसी क्यों थी इसकी? डॉन वाली। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। नाइस। भाई साहब, तो भाई 1 मिनट 38 सेकंड का ये टीजर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज इन एक्शन क्या कहते हैं, इनके हग दिया मैंने। 1 मिनट 38 सेकंड का ये टीजर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसमें जितना भी एक्शन दिखाया है ये इन कैमरा एक्शन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगेन गणपत एंड अगेन सारी चीजें रिपीट हो सकती है, जहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वगैरह यू नो नजर आ जाएगी, या फिर कह सकते हो एक चीप से वीएफएक्स दिखेंगे। बट मैं शॉक हूँ कि बड़े मियां छोटे मियां में जितना भी एक्शंस दिखाया है लगभग सारा एक्चुअल में परफॉर्म किया गया है। वो गाड़ी के धमाके से लेके बम के धमाके तक सारी चीजें मतलब इन एक्शन है, यानी कि सब कुछ रियलिस्टिक रखा गया है। आई बिलीव ये सारी चीजें होती थी हमारी इंडस्ट्री में आज से 5 साल 10 साल पहले, जहाँ पे एक्चुअली में हम वीएफएक्स या सीजीआई पे इतने डिपेंडेंट नहीं थे। बट आई डोंट नो व्हाई ये सारी चीजें कम कर दी हमने, बट अब ये चीज देख के मजा आ रहा है और ये होगी एक्शन पैक मूवी लग रही है मुझे, पोटेंशियल लग रही है मूवी। अप्रैल में आने वाली है एंड यस डेफिनेटली मजा देगी, मजा कराएगी। बहुत सारी चीजें इसकी, अभी तो ट्रेलर आएगा तब थोड़ी सी स्टोरी समझ में आएगी। विलन को अभी तक इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई, विलन डॉन वाली हंसी क्यों हंस रहा था, मतलब शाहरुख खान इन डॉन 2 वाली हंसी क्यों हंस रहा था? सो आई डोंट नो, मुझे आवाज भी थोड़ी बहुत जानी पहचानी लगी, बट मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं नाम ले पा रहा हूँ किसी का। मुझे ये टीजर बहुत ही बढ़िया लगा ओवरऑल। ये मूवी मतलब आप कह सकते हो कि सोल्ड आउट मूवी बन सकती है इस साल की। देखते हैं ट्रेलर पे और पत्ते खुलेंगे इसके। तब तक के लिए आपको ये टीजर कैसा लगा, आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, एंड प्लीज कर दो यार, क्योंकि हम सिर्फ थोड़े से मतलब 18 सब्सक्राइबर दूर है सेंचुरी से, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो यार। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए